नमस्कार दोस्तों, ये 10-13 हाईवा है, इसमें देख लेते हैं कितना सेफ्टी बालू आएगा और आपको बताएंगे। देखिए पूरा ओवरलोड है, इसको आपको बताएंगे किसमें कितना सेफ्टी आ रहा है आपको माल। नमस्कार दोस्तों, आज समझने वाले हैं जो हाईवा ये ट्रक होते हैं उसमें कितना सेफ्टी बालू आता है। ठीक, तो देखिए मेरे साइड पे ऐसा वाला हाईवा आया था, देखिए पीछे से उसका ये सीधा था और आगे में ऐसे जाके ऐसे क्रॉस हो गया था, उसी के बारे में। तो देखिए आपको सबसे पहले बालू नापने से पहले आपको ऊपर से ये पूरा जितना भी ओवरलोड बालू है उसको पूरा एक बराबर कर लेना है यहाँ से यहाँ तक, और आपको यहाँ या इधर किसी एक साइड में निशान लगा लेना है। ठीक, उसके बाद क्या करना है आपको पूरा हाईवा खाली करवा लेना, खाली करवाने के बाद आपको पूरा माप लेना है। तो देखिए सबसे पहले हमको लंबाई माप लेते हैं। देखिए तो ये रहा आपका बड़ी लंबाई, ये रहा आपका छोटी लंबाई। जब मेरा हाईवा ऐसे है तो ये वाला लंबाई बड़ा होगा, ये वाला छोटा होगा। देखिए बड़ा लंबाई हम लोग यहाँ लिए हैं तो बड़ा लंबाई मेरा आया है 20 फीट 10 इंची। ठीक, तो वहीं 20 फीट हो गया प्लस 10 इंची को 12 से डिवाइड किए तो वो हमारा फीट में चेंज हो गया। तो 20 फीट हो गया प्लस 10 इंची को 12 से डिवाइड किया तो 0.88 फीट, तो दोनों जोड़ दिए तो यहाँ 20.83 फीट में हो गया। ठीक, और छोटा लंबाई हमारा खुद दिया है यहाँ पे फीट में 19 फीट, यहाँ पे देखिए यहाँ पे, तो इसको कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, ये तो खुद फीट में है। अब देखिए हमको ऊपर बड़ा है नीचे छोटा है तो इसका औसत लंबाई मालूम करना है हमको। तो औसत लंबाई जब ये वाला दोनों जोड़ के बड़ा और छोटा दो से डिवाइड करेंगे तब तो हमारा बीच वाला लंबाई पता चलेगा। तो वहीं से हम यहाँ पे हम किए हैं, देखिए हमारा बड़ी लंबाई 20.83 फीट आया है और छोटी लंबाई 19 फीट आया है, दोनों को जोड़ के और दो से डिवाइड किए हैं, दोनों को जोड़े 39.83 फीट बट्टे दो, हमारा लंबाई निकाल के आ गया फाइनल 19.91 फीट, यहाँ पर लिख दिए। उसके बाद देखिए हमारा चौड़ाई, तो चौड़ाई यहाँ पे हाईवा का हमारा ये वाला होगा, ये वाला अंदर अंदर वहीं लिए हैं हम यहाँ पे 7 फीट 8.5 इंची, तो 7 फीट को सेम फीट में रहने दिए, 8.5 इंची को फीट में चेंज करेंगे, 7 फीट पड़े 8.5/12 किए तो 0.70 फीट आया, दोनों को जोड़े 7.7 फीट, तो हमारा ये चौड़ाई भी पता चल गया। उसके बाद ऊंचाई की बात कर लेते, तो ऊंचाई हमारा ये रहा, देखिए 5 फीट 10 इंची ये वाला, इसको भी अंदर अंदर लीजिएगा, बाहर बाहर कोई सा भी माप नहीं लेना है, इसको भी अंदर, लंबाई भी चौड़ाई भी और ऊंचाई भी, तो ये वाला हम भी लिए अंदर अंदर। इसका देखिए ऊंचाई आ गया 5 फीट 10 इंची, तो 5 फीट को वैसे ही रहने देते हैं प्लस 10 इंची को फीट में चेंज करें 12 से भागा देकर 5 फीट प्लस 0.83 फीट, तो ये भी चेंज हो गया, तो 5.83 फीट में आ गया। ठीक, अब हमारा तीनों पता चल गया, देखिए लंबाई भी फीट में हो गया, चौड़ाई भी फीट में निकल गया, ऊंचाई भी फीट में हो गया। तो अब देखते हैं कितना टोटल सेफ्टी हो गया, तो देखिए उसके बाद हम ये वाला किए, देखिए टोटल सेफ्टी बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, तो लंबाई हमारा आ गया था 19.91 फीट यहाँ पे। ठीक, अब चौड़ाई ये वाला आ गया था, देखिए इसमें चौड़ाई हमारा आया था 7.7 फीट, ये टोटल फीट में हम लोग कर लिए थे, और गुड़े ऊंचाई आया था 5.83 फीट,
टोटल किए तो हमारा निकल के आ गया 893.77 CFT। तो मान लीजिए कि हमारे तरफ तो प्राइस है इसका 45 रुपये पर CFT, तो हम 45, तो इतना निकल के आया टोटल CFT, टोटल CFT हम 45 से गुणा कर दिए तो हमारा निकल के आ गया पूरा प्राइस 40,220 रुपया कुछ पैसा। सेम वैसा ही सबका निकलता है।